गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कल 9th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो नेक्स्ट सेक्शन है अपना क्वेश्चन 10th, 11th और 12th, वो इसमें कंप्लीट करेंगे। और थोड़ी सी चर्चा हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 12.2 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ होगी, जो रिमेन अगर टाइम रिमेनिंग रहा तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा रीड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 9th तक का कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन टेन के अंदर क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज, यानी हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है और हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज, इंटीरियर एंगल दे रखा है, और हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ साइड का मैंने कल आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था एक्सटीरियर एंगल से, वो क्या था, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाए तो हम 360 से उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है तो उस इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर 1 इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और उस एक्सटीरियर एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियर एंगल इक्वल टू दे रखा है 144 डिग्री, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर लेंगे इसको, 180 में से 144 माइनस किया कितना आया, 36 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइड बाई 36 कितने से कट हो गया, 10 साइड। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई, 10, यानी इंटीरियर एंगल दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, एक्सटीरियर एंगल के अंदर, और एक्सटीरियर एंगल को सीधा सीधा 360 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे कैलकुलेट हो जाएंगी। क्लियर। अब क्वेश्चन 11th और 12th दोनों में कुछ पूछा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ व्हिच इंटीरियर एंगल मेजर्स 145 डिग्री, और 12th में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 25 डिग्री, कि 145 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल हो तो पॉलीगन पॉसिबल है क्या, और एक्सटीरियर एंगल अगर 25 डिग्री है तो पॉलीगन पॉसिबल है क्या, ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पॉलीगन पॉसिबल कब होगा, जब नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, क्या दे रखा है हमें, इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 145 डिग्री, जब इंटीरियर एंगल 145 डिग्री है तो दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 145, 180 में से 145 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। अब 35 डिग्री से अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी, एन की वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी तो पॉलीगन पॉसिबल है, अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ साइड फॉर्मूला क्या है, वही 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा, 35। कट करके देखो कितना आएगा, 35 10 बच गया, फ्रैक्शन में आया, 5 से कट करो, ये 7 आया, ये 7 72 आया, 72 डिवाइड बाई 7 फ्रैक्शन है, इसको अगर अपने आगे करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर रहेगा। सो पॉलीगन नॉट पॉसिबल, एन की वैल्यू जो है वो हमारी पूरी पूरी नहीं आई, होल नंबर में नहीं आई, होल नंबर में अगर नहीं है तो पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। अगर एन की वैल्यू कंप्लीट आ जाती, 72 7 से डिवाइड हो जाता
कंप्लीट वैल्यू आ जाती, होल नंबर में आंसर आ जाता तब तो पॉसिबल होता। यहाँ पर हमारा होल नंबर में नहीं आ रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में साइड हो नहीं सकती। तो दैट मीन्स जो पॉलीगन है विद इंटीरियर एंगल 145 डिग्री नॉट पॉसिबल। रेगुलर पॉलीगन के अंदर ईच एंगल 145 डिग्री का नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन 12th में पूछ रखा है, हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है एक्सटीरियर एंगल? 25 डिग्री। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 25 डिग्री? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री, तो सीधा ही नंबर ऑफ साइड क्या होता है? 360 डिवाइड बाई 25, इसको कट करोगे 72 डिवाइड बाई 5, अगेन फ्रैक्शन है, 72 अपॉन 5 है, इसको क्लियर करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। एन इज इन फ्रैक्शन सो पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। तो जो हमारा पॉलीगन है वो क्या है? पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो तुम्हारी 12.1 एक्सरसाइज है वो क्या होती है? कंप्लीट। ये आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 12.2 एक्सरसाइज है उस में थोड़े से अपनी चर्चा कर लेते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किसके बारे में पूछा हुआ है और क्या प्रॉपर्टीज यूज होंगी। यानी जो एक्सरसाइज 12.2 है, 12.2 से जो पहले हमें सीखना है वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। 12.2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात कर रखी है किसके अंदर है? किसके लिए बात कर रखी है? क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा पॉलीगन जिसकी फोर साइड हो। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम कितना होगा? जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चारों जो एंगल होते हैं अंदर वाले उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब उसके अंदर चार एंगल है जिनका सम 360 डिग्री है, तो कुछ एक्यूट होते हैं, कुछ ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। जो एंगल्स हैं वो एक्यूट भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। तो उसमें कई बार ये पूछ लेता है कि ऑब्ट्यूज एंगल कितने पॉसिबल हैं, मैक्सिमम मिनिमम एक्यूट एंगल कितने पॉसिबल हैं या मैक्सिमम एक्यूट कितने हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कह पूछ सकता है कि सारे एक्यूट हो सकते हैं क्या या सारे ऑब्ट्यूज हो सकते हैं क्या। तो एक्यूट क्या होता है? लेस देन 90 होता है। और ऑब्ट्यूज क्या होता है? मोर देन 90 होता है। अब सारे ऑब्ट्यूज चाहिए, इसका मतलब हमें सारे 90 से मोर भी चाहिए और सम 360 आना चाहिए। सम तो 360 आएगा ही आएगा। सारे अगर ऑब्ट्यूज होंगे तो 90 × 4 चार एंगल होते हैं वो 360 होता है। अगर 90 से अबोव वैल्यू है, 91 भी है, तो 91 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 364 आ जाएगा। तो 91 एंगल सारे पॉसिबल रह सकते हैं क्या? 364 आ जाएगा, एंगल की वैल्यू जो है 360 से एक्सेस हो जाएगी। इसका मतलब चारों के चारों एंगल तो मोर देन 90 नहीं हो सकते। ऐसे अगर चारों एंगल 90 से कम हो, कम मान लें 89 मान लेते हैं अपने, 89 होंगे तो 89 × 4 चार एंगल है हमारे पास, वो कितना हो जाएगा? 356 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी चारों के चारों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, चारों के चारों एक्यूट भी नहीं हो सकते, क्योंकि चारों एक्यूट होंगे तो टोटल 360 से कम रह जाएगा और चारों अगर ऑब्ट्यूज होंगे तो 360 से ज़्यादा रह जाएगा। तो मैक्सिमम एक्यूट कितने हो सकते हैं? 3 एक्यूट हो सकते हैं। और मैक्सिमम ऑब्ट्यूज भी कितने हो सकते हैं? 3 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। भी अपने पास ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक ऑब्ट्यूज ये बना लिया इसके अंदर, तो और इसको थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ, ऐसे बना लिया और यहाँ पर बना लिया, तो ये भी ऑब्ट्यूज हो गया, ये भी ऑब्ट्यूज हो सकता है, ये भी ऑब्ट्यूज हो सकता है, ये भी ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो एक तो एक्यूट होना पड़ेगा, जो ये 90 से एक्सेस हुए हैं, जितने जितने ज़्यादा हुए हैं उतना उसको एक 90 से कम रहना पड़ेगा। ऐसे ही ये 90 से कम है, ठीक है, ये भी 90 से कम है और मेरे को एक और 90 से कम बनाना है, तो ये 90 से कम बना सकता हूँ मैं। तीन एंगल हम 90 से कम बना लेंगे और एक एंगल क्या हो जाएगा?
90 से ज़्यादा हो जाएगा ये वाला जो एंगल है। तो तीन एंगल 90 से कम में पॉसिबल हैं, एक ज़्यादा रह जाएगा, जितना कम हुआ है तीनों के अंदर वो एक के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, 360 कंप्लीट कर लेंगे अपने। तो मैक्सिमम तीन एक्यूट हो सकते हैं, मैक्सिमम तीन ही ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसके जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दो टाइप के क्वाड्रेटर बता रखे हैं आपको, एक तो कॉनकेव और एक कॉनवेक्स। जो जनरली हम क्वाड्रेटर की बात करते हैं वो कॉनवेक्स के बारे में बात करते हैं, कॉनकेव के बारे में हम नहीं रीड करते। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देंगे अपने, कोई ज़्यादा आगे काम आने वाला नहीं है। जो भी क्वाड्रेटर की जब भी बात होती है तो हम हमेशा कॉनवेक्स क्वाड्रेटर का ही जिक्र करते हैं, कॉनकेव क्या होता है वो थोड़ा सा बता दूंगा मैं, बाकी इसके क्वेश्चंस नहीं आते, हमें सिर्फ चर्चा करनी है किसके बारे में, कॉनवेक्स क्वाड्रेटर क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे।